हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनी टस्ट 99। चलिए दोस्तों, आपको सीधे टॉपिक में लेके चलते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने जीमेल में अपनी फ़ोटोओं को, जैसे देख रहे हैं अपने जीमेल में आप अपनी फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो आपकी फ़ोटो प्राइवेट फ़ोटो है, कुछ अपने जीमेल में आप डालते हैं, डाल देंगे, या कोई आपकी ही फ़ोटो है, बेस्ट फोटो है, आप उसे जो डालना चाहते हैं जीमेल में सेव कर देंगे। उसमें सेव करने से क्या होता है कि आप कर देंगे, आप अपनी जीमेल को किसी दूसरे फ़ोन में, जब कभी साल 2 साल 10 साल ईयर में आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे, वो फ़ोटो आपकी जीमेल पे ही मिलेगी। जीमेल में यही एक खासियत है कि आप अपने जीमेल जब डाल देते हैं तो वो फ़ोटो आपको उसी जीमेल पे ही रहती है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, ताकि जो हम आपको बताएं वो आप अच्छी तरह से अपडेट कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे फ्रंट में पहुँचे, और जो हम आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आते हैं वो आप अपने फ़ोन में अच्छे चलिए से। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, पहले दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखने लगे। तो पहले हम आपको चलिए लेके चलते हैं आपके जीमेल में। आपको अपने जीमेल में ऐसे चले जाना है, ऐसे जीमेल में चले जाएंगे। जीमेल में जाने के बाद आपको जो जिस भी जीमेल में अपनी फ़ोटो डालना है, आपको क्या करना है, उस फोटो में ऐसे उस जीमेल को ओपन कर लेना है। अब जब आप ऐसे ओपन कर लेंगे तो पहले क्या था, आपको दिख रहा होगा यहाँ एक पेंसिल का आइकन, ये जो दिख रहा है कॉम्फोस जो आइकन दिख रहा है, तो पहले यहाँ प्लस का हुआ करता था, अभी तो इसका है। तो चलिए, आपको क्या करना है, इसमें टच कर देना है। आपको इसमें टच करना है, जो आपकी जीमेल रहेगी वो पहले से यहाँ पर आ ही जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है जो आपकी जीमेल। अब जिस भी जीमेल में आपको सेव करना चाहते हैं, जिस भी जीमेल में फ़ोटो डालना चाहते हैं, उस जीमेल को यहाँ जो टू का ऑप्शन है, यहाँ उस जीमेल को आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर मुझे क्या है, मुझे ये जीमेल ही मुझे इसी जीमेल में डालना है, तो मैं आप अपना यही जीमेल को रिटर्न यहाँ पर डाल दूँगा। अगर आपको दूसरी जीमेल में डालना है तो आप दूसरी भी जीमेल यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर अपनी जीमेल डाल दे रहा हूँ। डाल दिया, हम देख सकते हैं आपने, मैंने अपने यहाँ पर जीमेल जो थी, मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल को पेस्ट कर दिया हूँ। ये देखिए, चित्रकूट देसी चोरा gmail.com, एक मिनट, ऐसे कर दूंगा। जितना मतलब जो भी आपके जीमेल में होगा आपको उसी तरह डालना है अपने जीमेल। जब आप डाल देंगे तो जब आपकी जीमेल सही हो जाएगी, सही से अच्छी तरह से हो जाएगी, तो देख सकते हैं मेरी ये जीमेल यहाँ पर दिख रही है। जब करेक्ट हो जाएगी तो आपका ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। उस जीमेल में अगर आपने फ़ोटो लगाया होगा तो ऐसा आ जाएगा, जो भी लिखा होगा यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट कर लिया, अब आपको ज़्यादा ये CC में कुछ नहीं करना, ना BCC में कुछ करना है। आपको सब्जेक्ट में आपको डालना चाहते हैं तो सब्जेक्ट में माई फोटो फोटो डाल सकते हैं। नीचे यहाँ जो लिखा है कंफोज ईमेल का जो दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा जो भी आपको मतलब पसंद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ बेस्ट माई बेस्ट ईमेल माई बेस्ट बेस्ट पिक पिक डाल दे रहा हूँ, माई बेस्ट पिक, ऐसे डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जो आपको दिख रहा हो अटैच फाइल का, देख सकते हैं ये जो अटैच फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चले जाना है। ऐसे अटैच फाइल वाले में यहाँ पर चले जाएंगे, आप देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा अटैच फाइल, तो आपको क्या करना है, अटैच फाइल में ऐसे जाएंगे। जब आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन की स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, काफ़ी जो आपके फ़ोन की जो फ़ोटो होंगी तो वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, आपको जो भी फ़ोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना है, आपने अगर पूरी गैलरी ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, 3 लाइन का जो ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले एक बार जाना है।
आपकी जितनी सारी फ़ोटो होंगी तो आप उन्हें देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इमेज में जाना होगा। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इमेज में ऐसे चले जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने आपके फ़ोन में फोल्डर हैं वो सारे फोल्डर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे फोल्डर। अब उसको क्या करना है, आपको अपने जो जितने जो भी आपके फोल्डर में जिस फ़ोटो को आपने सेव करके रखा हो उस फोटो को यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद आपकी जो कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहे हैं, चलिए हम ऐसे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पर हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी जब, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, ये सेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, सिंपली टाइप कर देना है। यहाँ से ऐसे सेंड कर देंगे, ये देख सकते हैं मेरी सक्सेसफुल हो चुका है, मेरी फ़ोटो मेरे जीमेल में जा चुकी है। अब आपको इसको देखना कैसा है, निकालना कैसा है, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर थ्री लाइन में जाएंगे, जब आप थ्री लाइन में यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा सेंड का ऑप्शन, ये देख रहे हैं सेंड का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, अपने सेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको चले जाना है। चले जाएंगे तो आपने देख सकते हैं यहाँ पर जितनी मैंने फ़ोटोओं को यहाँ से सेंड करके, मैंने मतलब जितनी फ़ोटो या कुछ डिटेल भी भेजा है किसी को जीमेल से, जो भी जो 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 भेजा है मैंने, वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब देख सकते हैं मैं इस फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आपको टच करता हूँ, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल की जो, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों यहाँ से आप जितनी सारी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, एक साथ कई सारी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, और आप अपनी जीमेल में यहाँ से सेव कर देंगे तो आपके जीमेल में हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। आप जिस भी फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में अपने फ़ोन भी चेंज कर दिया तो आपको दूसरे फ़ोन में आपके जीमेल का पासवर्ड पता है, जीमेल पता है, तो आप इसी तरह जीमेल ओपन करके अपनी फ़ोटो यहाँ से देख सकते हैं और अपनी फ़ोटो निकाल सकते हैं, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबाना, ताकि इसी तरह कमाल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।